This program is sponsored by Orient Pest Solutions Private Limited. Pests are smart, we are smarter. Aminia, the taste you love. Nirman Concrete, the complete concrete solution. Co-sponsored by Shimla Biryani, Swad Zindagi Ka. Achievers Point, better tuition, better score. 26 এপ্রিল বহুজন সমাজ পার্টির দক্ষিণ কলকাতা প্রার্থী সরফরাজ খান আলিপুর সার্ভে বিল্ডিং এ নমিনেশন জমা দিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন প্রেসিডেন্ট, জেলা পরিষদ জেনারেল সেক্রেটারি, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং পার্টির কর্মী ও কাউন্সিলররা সকলেই। প্রার্থী সরফরাজ খান অনুরোধ করে জানান, ভোটারদের বহুমূল্য ভোট দিয়ে তাকে জয়ী করতে এবং উন্নতির জন্য সুযোগ করে দিতে। মে সরফরাজ খান বহুজন সমাজ পার্টি কে উম্মীদবার বনকর আজ नोमिनेशन फाइल किया हूं और ये नोमिनेशन फाइल करने के बाद मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई और ये महसूस इसलिए हुई कि हमारे साथ हमारे जिला परिषद के हमारे जिला प्रेसिडेंट और हमारे वेस्ट बंगाल के जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे साथ रहें, हमारे कर्मी साथ रहें, हमारे लोकसभा के कर्मी साथ रहें और वाइस प्रेसिडेंट साहब साथ रहे और हमारे नॉर्थ कलकत्ता से कैंडिडेट ओम प्रकाश प्रजापति भी हमारे नॉमिनेशन में आए, जिनका नॉमिनेशन कल किया गया और आज जो हमारे साथ हैं मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूं और मैं तमाम अपने मेम्बरान का शुक्र अदा करता हूं जो हमारे साथ आए। और एक बार मैं आपके माध्यम से अपने आवाम को, अपने वोटर को एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो जिस तरह हमारे कर्मी हमारे साथ आए हैं, हमारे अपने साहस दिए हैं, अपने हिम्मत पे आए दिए हैं, उसी तरह आप भी मुझे एक मौका देकर देखे, सिर्फ एक मौका, एक चांस। आपने जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुई है इस लोकसभा पे बहुत सारे वोटर को, बहुत सारे लोगों को आपने चांस दिया है, सिर्फ एक बार आप सरफराज खान को चांस दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपका हक, इंशाल्लाह मैं आपका हक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से छीन कर ले आऊंगा, जो मुझे रोक रोक नहीं पाएगा। मैं नौजवान लीडर हूं, मैं मेरे अंदर सलाहियत है लड़ने का, मेरे अंदर सलाहियत है बोलने का, मेरे अंदर सलाहियत है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाकर चिल्लाने का, मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। आवाम से गुजारिश है कि अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता हूँ और हमारे बहन जी को पीएम बनाते हैं, अगर हमारी बहन जी हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनती है, तो सारी विकास अगर 1% आने का था तो वहाँ पे मैं 100% विकास को टान के लाऊंगा। ये वादा रहा हमारा, इस वादे में मैं खड़ा साबित होऊंगा। आप एक बार चांस देखें, मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत करता रहूंगा 5 साल तक। और ये आप रमजान के मौके को देखकर ये ना सोचे कि रमजान है मैं नहीं जाऊंगा, आपका अपना फर्ज है, आपको वोट देना है और आप को रमजान के दरमियान लाइन लगाना पड़े, लाइन लगाइए, आप अपना फर्ज अदा करिए और वो वोट अगर आप हमें देते हैं तो इंशाल्लाह ये जीत आपकी जीत होगी, ये कामयाबी आपकी कामयाबी होती और आपके कामयाबी के साथ हमारी कामयाबी होगी। मेरे पास जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे सुप्रीमो, हमारे बंगाल के जो प्रेसिडेंट मनोज हल्दार बाबू जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि 42 के अंदर 37 सीट दिया गया है, नॉमिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, जिसका बंगाल में 37 दिया गया, नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। हमारा मुख्य एजेंडा, हमारा मुद्दा है कि हमारे इस लोकसभा में बहुत सारी गरीबी है, हमें इस गरीबी को दूर करना है। डिजिटल इंडिया सबने कहा लेकिन किसी ने कोई नहीं बनाया, और ये डिजिटल इंडिया के भागीदार सभी मिल करके कमाए खाएँ लूटें लेकिन कोई बनाया नहीं। लेकिन मैं वादा करता हूं अगर एक चांस मुझे मिल गया तो डिजिटल इंडिया क्या है मैं उनको सिखा दूंगा। एक बात जरूर करना चाहता हूं, मैं नॉमिनेशन फाइल हो गया है, मैं इलेक्शन कमिश्नर को एक बार नोटिस में दूंगा और मैं अपने तमाम मेम्बरान से मैं नोटिस करवाऊंगा। ये आज के जो माहौल में कुछ चौकीदार नाम कर एक वेबसाइट चला है, चौकीदार के नाम पे फेक आईडी चला है, नॉमिनेशन करता है अमित शाह के नाम पे और आईडी चलाता है चौकीदार अमित शाह के नाम पे, तो या तो उसको एफिडेविट कर उसको चौकीदार का नाम लेना पड़ेगा। अगर ये एफिडेविट करते हैं तो हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट में रिमरू काफ़ी आएगा, क्योंकि ये चौकीदार की तादाद बढ़ गई है। अगर चौकीदार की तादाद बढ़ी है तो सबों को एफिडेविट करके बढ़ाना पड़ेगा। अगर नॉमिनेशन फाइल करते हैं आप असली नाम पे,
आईडी चलाते हैं चौकीदार के नाम पे, तो यानी कि आप एक रॉन्ग वे पे चल रहे हैं। मैं इलेक्शन कमिश्नर से गुजारिश करूंगा कि जो फेक आईडी चला रहा है, फेक यह है, उसका आप नॉमिनेशन कैंसिल कर दीजिए। हम लोग 37 में 100% उम्मीद है, क्योंकि आज बंगाल में 37% वोट हमारा बहुजन समाज पार्टी का वोट है। 37 का वोट 30% आउट ऑफ 102 में 37% वोट बंगाल में बहुजन समाज पार्टी का वोट है। अगर ये बहुजन समाज एक हो जाए तो फिर बहुजन समाज आज तक ये नहीं जानता कि हमारा सिंबल हाथी है, और हाथी क्या चीज़ है वो हाथी नहीं जानता कि हमारे अंदर ताकत कितना है। जिस दिन ये ताकत समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर वो किसी को नहीं देखेंगे। बहुत आनंद, बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हमें, मैं लाख लाख शुक्र करता हूँ बहन मायावती जी का, हमारे सुप्रीमो का, जो हमें उस काबिल समझे जो हमें विधान लोकसभा के टिकट दिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका जो इस काबिल समझ के हमें यहाँ साउथ कलकत्ता से ही नॉमिनेशन करने का मौका मिला। मैं सबों का शुक्रगुजार हूँ हमारे पेपर में। मैं यही कहना चाहूँगा अपने वोटर से और ये साउथ कलकत्ता के वोटर से विशेष करके कि आप इस साउथ कलकत्ता में कैंडिडेट माला राय खड़ी हुई है, टीएमसी के कैंडिडेट हैं, जो इससे कबल 2014 में इलेक्शन लड़ी थी जिसमें 1,00,000 वोट मिला था कांग्रेस के टिकट से। और ये टीएमसी पार्टी 20 साल की पार्टी है, 20 साल से बहुत से लोगों ने आया, बहुत से लोग हैं मौजूद हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। ये तीन साल पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन करी, और ये 3 साल के दरमियान इनका इम्प्रूवमेंट ऐसा हुआ कि इनको टीएमसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बना दिया। तो इस चीज़ को देखते हुए जब इस तरह का अमेंड हो सकता है, इस तरह का बहाल हो सकता है, तो हमारे वोटर जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो क्यों नहीं नया कैंडिडेट सरफराज खान को भी एक मौका देकर देखें। अगर ये मौका आप देते हैं तो ये जीत आपकी जीत है, ये सरकार आपकी सरकार बनेगी, ये सरकार मायावती की बनेगी। मायावती की सरकार बनती है तो सारे विकास मैं यहाँ से लेकर के आता हूँ। बहन जी की सरकार बनती है तो मैं सारी विकास वहाँ से लेकर आऊँगा। और ये आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का हम मोहब्बत चाहिए, और मैं आपके संग मोहब्बत करने को देने को तैयार हूँ।